हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल फील्डिस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है राज और आज मैं लाया हूं आपके लिए 2 फुट डिस्क पर। जी हां, 2 फुट डिस्क पर आपको के यू बैंड के सैटेलाइट है जिसका नाम है थाईकॉम 78। ये थाई लैंग्वेज में आता है और इसमें हिंदी का हमें एक भी चैनल रिसीव नहीं होता है। और पहले मेरे यहाँ पर 2 फुट में तकरीबन 125-200 के आसपास चैनल मुझे मिल जाते थे लास्ट ईयर, और लेकिन बीच में गर्मियों में सिग्नल नहीं आते थे। परंतु अब मैंने अभी सेट किया तो फिर से सिग्नल इंक्रीज हो गए, लेकिन जिस टीपी पर वो चैनल आते थे टीपियाँ भी चेंज हो चुकी हैं जब से 1 साल में। तो अब मुझे दूसरे चैनल रिसीव हो रहे हैं और अब मुझे मात्र 2 फुट डिस पर केवल 7 चैनल मिल रहे हैं। यदि मैं 4 फुट डिस पर सेट करता हूं तो मुझे काफी चैनल मिलते हैं 200 के आसपास। अगर आपको 4 फुट वाला वीडियो देखना है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अब वहां से आप आराम से देख करके सेट कर सकते हैं 4 फुट पर, यानी कि 110 सेंटीमीटर डिस्क पर मैंने सेट किया है। आज मैं 2 फुट डिस्क पर सेट करके बताऊंगा आपको। और मेरी लोकेशन नियर झांसी उत्तर प्रदेश है। मैं आपको इसका कवरेज मैप भी डाल दूंगा जिसमें अगर आप कवरेज मैप के अंदर है तो 2 फुट पर सेट हो जाता है, और मैं चूंकि कवरेज एरिया से बाहर हूँ फिर भी मेरे यहाँ पर 2 फुट पर सेट हो रहा है। आप भी अपने यहाँ पे सेट करके देखें आपके यहाँ पर कितनी फुट की डिस्क की आवश्यकता पड़ रही है, आप सेट करें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। और भाइयों आपसे वही अनुरोध है कि आप वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि यदि आप स्किप करेंगे तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और मैं आपको फिर वही बात कहूंगा कि जो मैंने आपको डिस सेटिंग के बारे में बता रहा हूं आज मैं आपको इंची टैप के माध्यम से बताऊंगा जिससे आपको डिस सेट करने में सहूलियत होगी। चलो चलते हैं डिस की ओर और करते हैं डिस सेटिंग। देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं डिस्क की तरफ और आपको ये दिखाई दे रहा है ये हमारी डीडी फ्री डिस्क पर सेट है। देखिए, और ये हमारा रिसीवर, ये हमारा वायर, और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर हमें कितने चैनल इस पर, ये हमारे वंदे गुजरात वाला लगा हुआ है चैनल इस पर, और इस सिग्नल हमारी क्वालिटी आपको दिखाई दे रही है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से हम इसको डिससेटिंग करते हैं। तो देखिएगा, हमारी जैसे अभी डिस्क यहाँ पर सेट है तो यहाँ से हम इसको मूव करेंगे दाहिने की ओर। दाहिने की ओर जैसे ही हम मूव करते हैं, देखिए हम धीरे धीरे, मैं आपको बिना कोई छिड़खाने किए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पॉज भी नहीं कर रहा हूँ वीडियो को। और यहाँ से मैं इसको किस खाता ले गया यहाँ पर, जैसा कि आपको पता है थाईकॉम 78, ये देखिएगा। और यहाँ से मैं इसको किस खाता ले गया यहाँ पर, जैसा कि आपको पता है थाईकॉम 78, ये देखिएगा, ये मेरा थाईकॉम 78 है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, देखते हैं हमारा। यदि हमें अप डाउन के लिए हमें क्या करना होगा, तो अप डाउन के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा कि यहाँ पर 93 है, 93 से ये हमारा 93, ठीक है, 93 से हमें इतना खिसकाना है, यानी कि ये एक लकीर जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक लकीर डिस्क को हमारे जैसे अभी 93 पे है तो 93 से हम डिस्क को अप करेंगे। अप करेंगे तो हमारा ये जहाँ पर ये 78 लिखा हुआ है, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये देखिएगा, अब आपको दिखाई दे रहा है 78 लिखा है। हमें डिस्क को ऊपर की ओर क्लिक करना है, 93 से डीडी फ्री डिस्क से ऊपर की ओर डिस्क करेंगे। एक ये आपको लकीर दिखाई दे रही है इस पर इंची टेप पर, इतना इतना ही हमको करना है। ये देखिएगा, मैं आपको करके बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही मैंने इस डिस्क को अप किया 93 से, ये देखिएगा इतना हो गया। उसके बाद में मैं आपको इसके स्ट्रॉन्ग टीपी बताता हूँ। हमारे इसके सिग्नल चले गए हैं डीडी फ्री डिस्क के। उसके बाद में मैं थाईकॉम 78 की स्ट्रॉन्ग टीपी लगाता हूँ। तो थाईकॉम 78 KU बैंड की स्ट्रॉन्ग टीपी जो है 12686 वर्टिकल 30,000, ये कूल चैनल वाला जो चैनल है। और आपको पता है थाईकॉम 78 पर क्या है कि जो स्क्रैम्बल हैं वो भी सब चलते रहते हैं चैनल, ठीक है ना।
तो इस पर ऐसा कोई नहीं है कि स्क्रैम वाला तो चैनल नहीं चलेगा, बिल्कुल चलता है इस पर। तो ये कूल चैनल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी स्ट्रॉन्ग टीपी 12686 वर्टिकल 30,000। तो इस पर हमें सिग्नल लाना है। तो अभी अब हम देखो आपको बताते हैं, यहाँ से मैं डिस्क जैसे ही अप करूँगा, ये मैंने डिस्क अप किया, ये डिस्क थोड़ी सी अप किया मैंने, तो यहाँ पर तो मेरे ये चैनल आने लगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हाँ देखिएगा, ये हमारा पा ये हमारा 93 से हमने इसको यहाँ पर लिया है 78 पर, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 93 से मैंने 78 पे किया, और यहाँ पर हमारे सिग्नल देख सकते हैं अभी नहीं आए हैं। एक्चुअली क्या है कि क्यों नहीं आए मुझे पता है, क्योंकि हमने अभी LNB इस क्यू को सेट नहीं किया है, इसीलिए नहीं आए हैं। देखो ये अभी 93 के ही वो आ रहा है, लेकिन हम जैसे ही ये देखेंगे, हम LNB को यहाँ से अभी DD फीडर्स पर, जैसा कि आपको सबको पता है कि DD फीडर्स पर ऐसा रहता है, और इस पे हमें LNB को ऐसा रखना है सीधा, या ऐसा भी कर सकते हैं, सीधा रखना है बिल्कुल 6 बजे जैसा। तो आप देखिए हमारे सिग्नल उस पर आ गए हैं, ये देखिएगा सिग्नल आ चुके हैं, और आराम से ऑटो स्कैनिंग करके आप देख सकते हैं कि हमें कुल कितने चैनल रिसीव हुए। यहाँ से जाकर हम ऑटो स्कैनिंग करते हैं। ओके भाइयों, बड़ी बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे DTS संबंधी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपना प्यार और स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया करें, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। मेरी लोकेशन नियर एट झांसी उत्तर प्रदेश है, और मैं 2 फुट पर मैंने सेट किया है, और 110 सेंटीमीटर डिस्क पर अगर आप सेट करना चाहते हैं तो उसका मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से देख करके आराम से सेट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अगर विस्तार से बताना है तो वीडियो तो ऑब्वियसली लंबी ही हो जाती है। ये देखिएगा, ये हमें 8 चैनल रिसीव हो चुके हैं। कुल मिलाकर हमें 8 ही चैनल रिसीव हुए। ओके, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।